हाय गाइस, मैं हूं जस मानक। किदा ना मैं करा वेलो शक फेक तेरी ऑनेस्टी ते। तो लव एंड लाइज गाना मुझे 1 साल हो गया बनाए हुए। तो अच्छा। हाँ, 1 साल पहले बनाया था। तो उसके बाद बहुत गाने बनाए। इस गाने को मैंने ना बाद में प्रॉपरली सुनूंगा। फिर हम दुबई चले गए प्लान गाना शूट करने, कोई और गाना शूट करने चले गए। फिर वहाँ जाके फिर मैंने वो प्लेलिस्ट सुनी। हाँ। जो मेरी है। हाँ। तब लगा कि यार नहीं, ये गाना नहीं। 3-4 दिन रह गए थे शूट करने, सब कुछ उसकी ड्रेसेस सारा कुछ ले ली। फिर वो प्लान बन गया कि नहीं यार ये नहीं, ये गाना करेंगे जो अभी आ रहा है लव एंड लाइफ। ओके। वो क्या था? वो पुशअप्स मार रहे थे, गर्मी थी वहाँ पर। हाँ। टी शर्ट उतार के बैठे थे, करी एक्सरसाइज ही रहे थे वहाँ पर। हाँ। वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बस ऐसे मन करके डाल दे, बस पा दी। कोई प्लानिंग नहीं है इस चीज के पीछे। यस, मेरा सबसे पहला गाना था यू टर्न। सो मेरा उसमें मेरा शूट हो गया, उसमें मैं आया ही नहीं। एंड में 3-4 सेकंड में आया। और क्या क्या करना है पाजी? वीडियो भी करेंगे खुद। यू वाचिंग सितारे मस्ती में, मैं नितिन आपके साथ। और आज जो हमारे साथ हैं ही सुपर हैंडसम, सुपर क्रिएटिव, सुपर टैलेंटेड और मैं सुपर जेलस कि इतना सब कैसे कर लेते हैं यार, जस मानक इन द हाउस। व्हाट्स अप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी सारे नूं। सत श्री अकाल जी, बिल्कुल तुहाडा स्वागत हैगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे आपको बैठा के, सबसे पहले बिकॉज पूरी दुनिया ढूंढ रही है वेयर इज जस, वेयर इज ही, व्हाट इज ही अप टू। तो वो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले गाने को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं। म्यूजिक के अलावा क्या है जो ऐसा दिल धड़काता है जस का? क्रिकेट। क्रिकेट मुझे देखना कम, वैसे खेलना ज़्यादा पसंद है। ओके। हम डेली वैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं डेली, हमारे ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा रहता है, यू नो इफ यू डू दैट। हु इज योर फेवरेट प्लेयर राइट नाउ? क्रिकेटर? विराट कोहली एज ऑलवेज। मेरे को लग ही रहा था कोहली वर्सेस रोहित की यहाँ पे डिबेट ना छिड़ जाए। व्हाट डू यू हैव टू से यार, ये दो बड़े महान क्रिकेटर्स, इनको कंपेयर करते रहते हैं। मैं एज ए गेम नहीं देखता सच में। मैं अगर सच बोलूं तो एज ए गेम नहीं, मुझे जो उन्होंने उस चीज में कमाया है, जो रिस्पेक्ट कमाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा काम है, मैं उसमें मैं ऑलवेज बड़ा 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 बनने की ट्राई करते हैं ना हम। गाने वाने ये सब तो चलता रहता है। एज ए आर्टिस्ट क्या आप रिस्पेक्ट कमाते हो, तो वो चीज़ मुझे सही लगती है कि उसने बहुत ज्यादा राइट वो चीज। कमिंग टू यू, रिस्पेक्ट तो इतनी कमाई है कि मैं क्या बोलूं, बिकॉज यू नो यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट्स जिनके लिए अगर हम कमेंट्स देखें ना, प्यार उड़ेलते हैं लोग। इट्स लाइक होली चल रही है और बाल्टी भर के प्यार लाके सीधे जस के ऊपर फेंक देने का। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के जितने भी फैंस हैं, मेरे भी फैंस हैं, मुझे भेजते रहते हैं मैसेज, मैं चेक भी करता रहता हूँ। मैं उनको भी कभी कभी ग्रुप्स में ऐसे ही बोल के भेज देता हूँ कि जब वो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ हो, ऐसे मैं कहता हूँ कि मैं कहीं गया नहीं, बस आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। राइट। तो वो चीज़ चेयरअप करती है हमेशा मुझे। फैंस उनके मैसेजेस की मुझे से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो चीज़ उनके अच्छी लगती है। जस्ट यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप अपने गेम में टॉप पे हो और आप वहाँ पे बोलो कि अभी ना मेरे को थोड़ा सा अपने को कुछ और करने के लिए ब्रेक लेना है। टॉक टू अस अबाउट दैट। ब्रेक मेरे लिए ऐसा, ब्रेक का जो डेफिनेशन है मेरे लिए कि जैसे मैं शुरू से कुछ सुनता आ रहा हूँ कि मुझे उसमें कुछ बनाना है और वो मैंने बना के रिलीज कर दिया, ठीक है, अब मुझे कुछ और अर्न करना है, मैं फिल करूंगा फिर निकलेगा वो जो मैं बचपन से भरा हुआ वो मैंने पहले रिलीज कर चुका हूँ। हाँ। अभी मुझे और सीखना है, फिर मुझे डिलीवर करना है। जो मैं हमेशा मैं सोचता हूँ कि मुझे कहाँ पर स्टैंड करना है, मैं कैसे गाने परफॉर्म करूँ, जब लोग मेरे को लेके कैसे एक्साइटेड हों। हाँ। कैसी बीट्स हों, है। हाँ। ना, सो सब कुछ वो मैं उनके बारे में पहले तो मैंने पूरा तरह एक्सप्लोर करा कि मेरी वोकल उनके ऊपर टिक रही है या उनके ऊपर साउंड अच्छी कर रही है, लाइक मैं ऐसे गाने गा सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो वो सब था, इसलिए था सब कुछ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ बिकॉज दम चाहिए ये बोलने के लिए कि अभी, बिकॉज जो लोगों को होता है ना कि चल रहा है यार चलने दे। yeah. क्या दिक्कत है? yeah. तो ऐसे किसी ने सजेस्ट किया था साथ वालों ने, टीम मेंबर्स ने या किसी ने कि छोड़ना यार, ब्रेक क्यों लेना है, चलने देना। सबने कहा, बट मुझे लगता है उन्होंने भी इसलिए कहा कि शायद वो गलत नहीं है, वो जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ। हाँ. शायद वो वहाँ पर नहीं सोच पा रहे उस टाइम, उनका कुछ और सोचने का नजरिया ना। हाँ. तो वो अपनी जगह ठीक है, तो बट मैं हमेशा से क्लियर था कि मुझे करना क्या है। उसके लिए मुझे ब्रेक या कुछ भी वो मैटर नहीं करती, वो मैटर करती है चीज़ के आपको कहाँ पहुँचना है, उसके वे में क्लियर कर रहा हूँ। ये तो खाली एक शब्द है ब्रेक, आई वुड से, बिकॉज आपके गाने जितने भी अभी इस सेकंड भी अगर हम खोल के देखेंगे ना, लाइक भर के कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर एंजॉयिंग दोस ट्रैक्स। एक सबसे कमाल का कमेंट मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले, भाई मेरी बीवी ना मेरे से बात करने को तैयार नहीं हो रही, तू वापस कब आएगा। मतलब इस टाइप के लोग दीवानगी मचा के बैठे हैं कि ब्रो एक गाना तो बनता है। मुझे बोलो अभी सब बोल रहे एक गाना तो बनता है, एक गाना तो बनता है। जब शुरुआत कर रहे थे उस समय अपने अंदर से जब निकल रहा था यार एक गाना तो बनता है, उस समय किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट गाँव हमारे साढ़े पिंड दे विच सीगे, साढ़े यार दोस्त नाल दे सीगे ते उन्हां नूं जदों गा गा के सुणाउंदे सी। साढ़े जिद्दां उत्थे इदां रिवाज आ के सारे किसी से किसी विच आर्टिस्ट हैगा ही है, कितने कितने गाउंदे ही है माड़ा मोटा ना। ते मैं जदों गाउंदा हुंदा सी सारिआं नूं ते फ्रॉम डे वन मैनूं कहिंदे हुंदे सी सारे कि वो तेरी कॉल है कि तू केड़ी लाइन केड़ा प्रोफेशन चूज करना, बट ये तेरा एक सेफ साइड है जिहदे विच तू वधिया नाम कमा सकदा। वो चीज़ दिमाग दे विच बैठी सी। जिद्दां इहदा मैच्योरिटी आई कि इस करियर नूं लैके हुण करियर नूं की करना अग्गे लैके, फिर होर कोई मैं सोचा इस चीज़ बारे कि मैं की कर सकदा होर। असीं सारे पंजाबी स्टडी च भी ठीक ठाक ही हुन्ने आ ते फिर मैं देखिया हाँ गाउणा आउंदा है ते गाउणा फिर मैं सारिआं नूं गाणे गुणे असीं बना के देखे। मैं एज ए प्रोफेशनल स्टूडियो विच रिकॉर्ड करके गाने सुनाए। फिर मैं डिसीजन लिया कि ये साउंड वधिया करदी है चीज़। ये 2017 दी गल है ना ते उदों फिर डिसीजन लिया कि हाँ मतलब साउंड वधिया कर सकदी है, लोग वधिया रिस्पैक्ट करूगे इस चीज़ नूं। ते फिर इतना होया स्टार्ट। राइट, काफी लकी रहे जो सब लोगों ने उस समय सपोर्ट किया। लेकिन कुछ जैसे हम लोग के वहाँ होता है कुछ अगर अच्छा करने जाओ, कुछ करने जाओ, रिलेटिव्स आ जाते, बू आ जाते, फूफा जी आ जाए, क्या कर रहा है यार, गाना वाना क्यों गा रहा है, तेरे बस की नहीं है। ऐसे थे लोग कुछ जो ऐसे भी कहते थे कि नहीं यार ये नहीं होगा, पढ़ाई में मन लगाओ तुम। पता क्या सिस्टम क्या है कि पंजाब में ना हर कोई गाता है। डेली 50 से 60 लड़के जाते हैं चंडीगढ़ म्यूजिक करने। मतलब वो ये सोचते कि तू ही क्यों बनेगा, मतलब ऐसा क्या, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है म्यूज़िक में या कुछ भी नहीं है। मतलब उनको एक परवाह थी, मतलब उनको ना कि तू कुछ लाइफ में ऐसा कर ले कि जिससे तेरी लाइफ सेट हो जाए। मतलब म्यूज़िक करेगा, तू गाना निकालेगा, चलेगा नहीं चलेगा फिर तेरे को टाइम लगेगा कुछ और सोचने का। वो इसलिए कहते थे सब, है ना। बट जो मेरी फैमिली थी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करी। उनको पता था कि मैं इस चीज़ में ही सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ। राइट, है ना। तो ये वो भी कहते थे अगर तू इसमें खुश रहता है तो अगर यही तेरा काम बन जाए ना तो हमारी फिक्र खत्म हो जाएगी। राइट। अभी फ्रेंड्स कैसे देखते, लाइक यू नो व्हेन दे कॉल यू अप, तो उस समय कैसा चलता है? दोस्ती मेरे फ्रेंड्स कैसी है? आज भी वही हमारी बातें होती हैं, वही वो। उन्होंने मुझे कभी एज ए सिंगर ट्रीट नहीं करा और मैंने भी उनको करने नहीं दिया। राइट, हम हमेशा सेम ही रहते हैं, बिल्कुल वही बातें, वही स्पॉट्स हैं। जब भी हम गांव जाके मिलता हूँ उनसे वैसी ही बातें, कभी भी नहीं। वैसे हाँ मेरे काम के बारे में पूछ लेते हैं कि तू गाने गुने निकाल, कुछ मैंने अच्छा काम करा हो, कुछ उनको गाना बहुत अच्छा लगा हो जो उनके टच का है ना, तो मुझे उसकी वो एप्रिशिएशन देते हैं। कभी टचन दिखाते हैं कि यार जस साडा मित्र है, पिंड का है, तो यार आई थिंक मुझे लगता वो दिखाना भी चाहिए उन्होंने हक आ उस चीज़ का, उन्होंने उस चीज़ का हक आते। हाँ करते इदा दी चीज़ा, पर साडा प्यार बहुत है सारे का। लाइक मैं बड़ा बैलेंस रखा उस चीज़ के, प्रोफेशनल अलग, पर्सनल अलग, प्रोफेशनल पर्सनल। लेकिन कहीं पे देयर इज दिस पॉइंट जहाँ पे वो एक हो जाता है आई थिंक विद हिज फैंस, बिकॉज ही इज द ओनली आर्टिस्ट जो इतना ज़्यादा यू नो उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। फिर चाहे वो इनके लाइव्स हों या इनके गाने और वो कमेंट्स में भी यू नो अक्सर वो प्यार का आदान प्रदान चलता रहता है। सो इज दैट समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग कि वो है कि यार ये तो मुझे करना ही है? 100% ब्रो। कि जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोच सकता हूँ। जो मैं बना रहा हूँ मुझे उसको मानना पड़ेगा कि वो गुड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँगा तो मैं कहीं जा रहा हूँ कि नहीं। वो जब फैंस कमेंट ये सब करते हैं कि हाँ ये तुम जो कर रहे हो ये अच्छा है ना, तो अगर आपको कोई और भी आपको दे रहा है ना, वो पंजाबी में बोलते हैं हल्ला शेरी, तो वो चीज़ बहुत वो काम आती है। पर्सनली काम आती है कि जब आप स्टूडियो में बैठ के सोचते हो कि यार ये मेरे से क्रैक नहीं हो रहा, पर फिर आप सोचते हो कि मुझे क्रैक करना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे रहना है। राइट। शुरू में जैसे मजाक मस्ती में तो क्या ही, मतलब इतनी मेहनत गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं शुरू में आज ये सेट बन गए गाने। अब वो प्रेशर लगता होगा ना कि मेरे को हिट पे हिट देना है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि पहले अगर हिट मैंने बिना प्रेशर के दिए ना फ्लो में, तो आज भी मुझे उसी फ्लो में रह के काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं हिट सोचने लग गया, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं कि आप कुछ गाना। समटाइम मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा हिट है तो वो हिट गया ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये एवरेज है, वो हिट चला गया। वो फॉर्मूला मुझे समझ आ गया कि ये हाथ में नहीं है, तू सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ बना सकता है। राइट। ओवरनाइट सेंसेशंस बड़े सारे आजकल यू नो हो जाते हैं कि रील पे गाना हिट हो गया और वो सुपरस्टार बन गया, लेकिन फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। लेकिन यहाँ पे वो कंसिस्टेंसी रही है। सो उसके ऊपर आप करते हो, लाइक इज दैट समथिंग दैट यू क्रेव फॉर या यू लुक फॉर? मैं अपने आप को कैसे सोचता हूँ एज ए आर्टिस्ट के मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूज़िक को लेके, है ना, कि ये म्यूज़िक बड़ी है ना क्लीन आर्ट होनी चाहिए कि आपको ना सुने तो ऐसे ना हो कि ओके वो आपको सुन के उनका दिल करे कि मैं दोबारा सुनूँ उस चीज़ को। मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं ऐसी चीज़ कोई प्रेजेंट करूँ। वो पास्ट में भी मेरी यही थी, मैंने वो चीज़ें करी भी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क करा। तो साउंड ऑफ जस मानक अगर इसकी बात करें तो जब शुरुआत की थी तब से लेके अब तक वो बड़ा एवोल्यूशन जो हुआ है ना वो किस तरह से हुआ है, लाइक कैसे क्या चेंजेस आए, अपने को खुद को क्या लगता है? पहले जब मैं पिंड से उदो सिर्फ गाना आंदा सी कि एक कोई मेलोडी जिदा ना जो आप कितने जाते कितने भी कीर्तन होंदा सी जां असीं पिंड गुरुद्वारे जाते रहंदे हुंदे सी, वो चीज़ तबला हारमोनीयम वो चीज़ा ना बजाउणियां मैनूं नहीं आउंदियां सी, वो चीज़ां एक्साइट बहुत करदियां हुंदियां सी है ना। साउंड मैनूं मेलोडी जिदा कितने किसी रेस्टोरेंट दे विच कितने पियानो भी वजदा पिछे है ना, वो मेरे दिमाग दे वो मेरे लिए ना जो मेरी क्रिएटिविटी आ वो चीज़ मैनूं हैल्प करन लग पैंदी है उत्थे बना के कुछ, जां उत्थे शायद वो कुछ कॉम्पीटिशन रिकॉर्ड होगी मैं फोन दे विच रिकॉर्ड कर लेनी। वो चीज़ां पहले मैनूं समझ नहीं आउंदियां सी, वो जिदा जिदा मैं मैच्योर हो गया वो चीज़ां ना उन्हों की डेफ्थ पता लगन लग पी कि किदा ये चीज़ा साउंड बनती किदा बजती किदा पियानो इन्ना सोहना साउंड करता किदा। बस इन्होंने जिदा थोड़ा बहुत इंट्रस्ट आ वो चीज़ा मेरी उस जोन के ज़्यादा मैं डीप जान लग पाया। तो फिर मैनू जाके फील होने लग पाया कि मैनू एज एन आर्टिस्ट ये मौका मिलया है कि मैं अपने थ्रू दस सका कि मैं की सोचता हाँ इस चीज़ को लैके, मैं वो चीज़ अपने गाने के पाना है। राइट, और यही रीज़न है कि खुद ही लिखूंगा और खुद ही गाऊंगा और खुद ही बनाऊंगा, अभी तक तो यही है। बट मुझे ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है दिमाग में कि मैं सिर्फ अपने ही गाने गाऊँगा। बस मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे जो जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उस रोड पे मैच होनी चाहिए, है ना, जो विज़न है। तो यस, एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब लोग ना लुक्स के दीवाने, और खाली फीमेल फैन फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा, लड़के भी कह रहे, जैसे मैं अभी बोल रहा था सुपर जेलस, मतलब क्या है एकदम कूल डूड है लाइक। सो वो क्या है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या ये तो यार अपने जीन्स में है यार? अभी भी ऑनेस्टली मैनेजर साहब आगे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल रात ही बात कर रहे थे कि हम कुछ ना स्टाइलिश रखते हैं। मैं कहा हाँ ठीक है सुबह रख लेते हैं चाहे, है ना, पर सुबह नहीं अरेंज हो रहा उसके बिना भी हम हमारे खुद के स्टाइलिश हैं, है ना। वैसे पंजाब में इन सब चीज़ों का बहुत शुरू से तगड़ा मैं फ़ैन रहा हूँ, कपड़ों का, ये शूज़ का, बहुत चीज़ भरी हुई है अंदर। वो ऊपर से हमारा काम ऐसा है कि ये चीज़ पार्ट ऑफ वर्क है ना। तो ये स्टाइलिश नहीं है, सबके नहीं कुछ नहीं है, खुद ही है, मैं खुद ही स्टाइलिश हूँ इस चीज़ का। बढ़िया यार, देखो मतलब अभी फैशन डिजाइनिंग में भी भाई कुछ कर लेंगे, मतलब टैलेंट की कमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दूसरे को इंफीरियर दिखाने की बात हो रही है कि आप इंटरव्यू तो ले रहे हो लेकिन आप में क्या है, मेरे को देखो ब्रो, मेरे में ये सब है। और क्या क्या करना है पाजी? वीडियो ही करेंगे खुद आगे जाके, बाकी अभी तक तो यही सोचा है, बाकी जहाँ पर भगवान ले जाए वहाँ तक। ये बढ़िया भाई, हम सब कर लेंगे लेकिन नहीं ठीक है जी चल रहा है। ये देखो ये जो मॉडेस्टी है ना, ये हम्बल होना है ना, ये इनके अंदर बड़ा मतलब कूट कूट के भरा हुआ। मेरे को एक बोलो सबसे लैविश चीज जिसके ऊपर अब तक आपने स्पेंड किया हो कि ब्रो हो गया अभी मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब वो एटीट्यूड जिस चीज के साथ आया कि मैं इस पे स्पेंड करूंगा। जैसे ना देखो कपड़े ये सब, जब हम पहले गांव में था ये, तब हम अगर किसी को जाके बताएं कि ये चीज़ इतने की है पेयर, ये ना इतनी महंगी है, शौक होंगे उस चीज़ को लेके। बट मैंने ये चीज़ सीखी है, मेरे बहुत क्लोज वंस ने किसी ने सिखाया कि अपने आप को तरसाना नहीं है, अपने आप को तड़फाना नहीं है। अगर आप उस चीज़ को कर सकते हो जस्ट डू इट। राइट, तड़फाना नहीं अपने आप को, अगर आप अपने आप को तड़फाने लग गए तो अपने आप को सजा देने टाइप हो जाएगा। हाय हाय हाय, दूसरों को तड़पाओ, आप बुर्ज खलीफा के सामने पुशअप्स मारो, है ना, बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालो, हम लोग देखेंगे ओए यार की जिंदगी है यार, मतलब मजे लूट रहा है अगला। वो क्या था वीडियो, मेरे को बोलो ना, इंस्टा पे आप लोग, आई नो इनके बड़े सारे फैंस इनके साथ साथ है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वो क्या था? वो पुशअप्स मार रहे थे। वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम खड़े थे वहाँ पर, गर्मी थी वहाँ पर, टी शर्ट टूशर्ट उतार के बैठे थे, काम रेगुलर बहुत काम कर रहे थे तो जिम जुम जा नहीं हुआ, ऐसे ही बस उससे वो करी एक्सरसाइज ही रहे थे वहाँ पर। वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बस ऐसे मन करके डाल दे, बस पा दी, कोई प्लानिंग नहीं है इस चीज़ के पीछे, कुछ नहीं, बस दिल करता है डाल देते। मेरा नहीं दिल करता डालने को नहीं डालता। ऐसा नहीं होता कि मेरे को इतने बजे एक पोस्ट डालनी है, मैनेजर साहब बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा वो रूल रेगुलेशन ठीक है, वो रूल रेगुलेशन भी ओके है कि टाइम होता है, ट्रैफिक होता है, सारी चीज़ें वो ओके है। बट मुझे लगता है जब सबसे ज़्यादा दिल कर रहा होता है ना तब वो फिर ना वो यूनिवर्सली चीज हो रही होती है वो गो विद द फ्लो मुझे ज्यादा पसंद है। एंड ये जो गो विद द फ्लो है ना, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ सुपरस्टार, बिकॉज सबसे कमाल की चीज है ये किसी चीज में बंधे हुए नहीं लगते हैं। आप पोस्ट देखो आ जाएंगी 2 दिन 3 दिन आ जाएंगी, नहीं आएगी बहुत महीने तक नहीं आएगी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्स इनके फेवर में। और ऑफ कोर्स पैकेजिंग इतनी तगड़ी है, अंदर का माल भी बहुत बढ़िया ही है यार, तो वो तो ऑफ कोर्स उसकी बात करनी बनती है। गाने में एक चीज जो जस को लगता है यार ये तो मुझे देनी ही है मेरे हार्डकोर फैंस के लिए, आपके पास मेलोडी बड़ी है ना। हाँ। आप किसी की कोई भी बात को, कोई भी सिंपल से सिंपल बात हो, उसको आपको कहने का तरीका अगर बहुत अच्छा है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा पिक होती है मेरे लिए, है ना। कोई सिंपल बात हो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गा देते हो ना। मेलोडी, मुझे मेलोडी हमेशा रहता है कि मुझे मेलोडी स्ट्रॉन्गेस्ट रखनी है। लाइक वो चीज़ समटाइम कईयों को बात समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे बहुत, अगर मैंने बहुत पंजाब में ठेठ बात कोई गाई हुई है, वो शायद उनको वो बात नहीं समझ आएगी पर उसको वो धुन समझ आएगी, मेलोडी। उनको धुन अच्छी लग गई तो वो धुन की वजह से ही। अभी मैं बहुत सारे गाने सुनता हूँ मुझे समझ ही नहीं आते, बहुत लैंग्वेज के, लैटिन, रशियन, ये मैं गाने सुनता हूँ मुझे समझ नहीं आते वो गाने। बट उनकी ट्यून्स वो मुझे प्रवोक करती है कि मैं सुनी जाऊँ उसके जैसा कुछ बनाऊँ। मुझे ये बोलो, आपके गाने सुन के ना हम लोग में तो बड़ी एनर्जी आ जाती है, अभी नए वाले की भी बात करेंगे, लेकिन What is that one thing या one song जो आपके मूड को ऊपर लेके जाता है? And it's not, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ढिकचिक ढिकचिक ही कुछ हो। क्या सुनते हो आप, क्या सुनते हो? जैसे एक गाना था वो संजू फिल्म का एक गाना है, टूटी शमशीरें तो क्या, ऐसा एक गाना है। बल ये एक्चुअली उस फिल्म में भी वो बंदे को अप करने के लिए कर हर मैदान फतेह ना, पर एज एन म्यूज़िक कई बंदे वो उस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि वो सिर्फ फिल्म को पूरा करने के लिए गाने डाले कि म्यूज़िक डालना है। वो सब बातें जब वो आती है वो एनर्जी भरती है वो गाने। मतलब मैं ऐसे सुनता हूँ, मैं बहुत कम गाने सुनता हूँ जैसे मैं करता हूँ, है ना। हाँ, सच में फेमस गाने ज़्यादा नहीं सुनता कि जो चीज़ हो गई है वो मैं सुनता हूँ कि वो एक आर्ट क्या बना रखी है। जैसे एक गाना था भाग मिल्खा भाग फिल्म का, जिंदा, है ना। वो गाने मैं नहीं गाता, वो गाने मैं गा भी नहीं सकता वो गाने ना मुझे, बट मुझे वो सुनने पसंद है। वो एनर्जी, वैसी एनर्जी सुनने पसंद है। मैं थोड़ा और तरीके से इस चीज़ को लेता हूँ और डिफरेंट तरीके से, राइट। पर मैं उस गाने को अपने यारों दोस्तों के साथ गाड़ी में प्ले नहीं कर सकता, नहीं सुनता। उनको लग रहा है यार हम किसी और मूड में है, तू कोई बीट, कोई ट्रैप ट्रूप कोई प्ले कर, तू ये है ना क्या प्ले कर रहा है, मतलब कि हम इस मूड में नहीं है। तो समटाइम मैं क्रिएटिवनेस उस तरीके से सोच रहा होता हूँ, है ना, तो वो ऐसे हेल्प करती है। कभी कभी पार्टी करने जैसे जा रहे हो और अपना गाना चल रहा होता है, मतलब देख के अब तो आई एम श्योर बड़े-बड़े मजा आ जाता है। और क्या फील आती है, और क्या प्रॉपर फील आती है कि एक पिंड होंदे सी, पिंड कोई, है ना, कि हुण असीं इत्थे बज रहे हैं। तो चीज़ ऑलवेज प्राउड करती है। इसे जिले काम करते हैं कि लोग सानूं सुणन, है ना। वो चीज़ बहुत बड़ी है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। वो दिन बन जाता है, दिन के अगले वाला हफ्ता बन जाता है। ये बड़ा सच्चा जवाब है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ठीक है सुनते हैं यार, हमको ऐसा कुछ नहीं होता। फर्क ऐसा क्यों नहीं फर्क पड़ता, आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, जो डेली दिन रात सो उठ रहे हो उस चीज़ के साथ, वो चीज़ कहीं प्ले होगी तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि यार मैंने एक दिन स्टूडियो में अकेले बैठ के चीज़ बनाई, आज 500 बंदा उस चीज़ पे डांस कर रहा है। क्या बात है, यही तो मेरा विजन था, यही तो मेरा प्लान था, है ना। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो ना कि हाँ मैं यहाँ पर सक्सेस हो गया। वो चीज़ आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको खुद को। यस, एंड यू नीड टू एंजॉय इट यार। क्या खूबसूरत बात कर दी। आर यू रियली लाइक यही एज है या छुपाते हो? हाँ, नहीं, मैं 24 है। मैं आधार कार्ड भी शो कर सकता हूँ, पासपोर्ट भी शो कर सकता हूँ। मुझे ये बोलो, अब बात करते हैं उस गाने की जो नया आ रहा है और सबको हिला रहा है, लव एंड लाइज। कितनी सच्चाई है, कितना इसमें सच्चाई है गाने में, सबसे पहले तो ये बताओ। पहले तो ये गाना ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है या मेरे किसी फ्रेंड की, या मैं कैसे इंस्पायर हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कैसे आ गया ऑनेस्टली? हाँ। तो ये गाना सिर्फ एक आर्ट है कि ये मेरे को एक थॉट आया कि मुझे प्यार और झूठ के ऐसा टाइप ऑफ गाना लिखना है। हमने नाम तो वैसे बाद में दिया, पहले तो कुछ और ही था, कोई नाम भी नहीं था। मैं जस्ट मैंने बीट प्ले करी और ठीक है, मैं जैसे जैसे ना स्टार्ट करता गया, फिर आपको अगर एक लाइन आ जाती है, पहली जो लाइन आ गई, जरूरी नहीं आपने वो सोच के रखी, शायद इसी बीट पे मैं कुछ लव एंड लाइफ से अलावा कुछ और टाइप का लिख देता। पर वो पहली लाइन ही मेरे से ऐसी जुड़ी, पहली लाइन ने क्लियर कर दी बात कि मैं लिखने क्या वाला हूँ, सारा गाना किस चीज़ पे जाएगा। चलो ये ऐसे पूरा हुआ गाना। तो लव एंड लाइज गाना मुझे 1 साल हो गया बनाए हुए, तो हाँ 1 साल पहले बनाया था। तो उसके बाद बहुत गाने बनाए। इस गाने को मैंने ना, मतलब जैसे मैं फोल्डर बना के रखता हूँ कि किस गानों को मैं बाद में प्रॉपरली सुनूंगा। जब किस गाने को मैंने अभी जज कर लिया कि ये गाना नहीं आएगा कभी भी, तो इसको एक साइड पे रखते हैं ना, उसको मैंने उस लिस्ट में डाला। तो फिर मैं बाद में फिर मैंने वो सारी लिस्ट सुनी, जो भी आगे गाने आएंगे ना, सारी लिस्ट सुनी। तो फिर मैंने फिर छोड़ दिया इस गाने को। मैं कहा इसको अभी रोकते हैं ना। फिर हम दुबई चले गए प्लान गाना शूट करने, कोई और गाना शूट करने चले गए। फिर वहाँ जाके फिर मैंने वो प्लेलिस्ट सुनी जो मेरी है। तब लगा कि यार नहीं, ये गाना नहीं। 3-4 दिन रह गए थे शूट करने, सब कुछ उसकी ड्रेसेस सारा कुछ ले ली। फिर वो प्लान बन गया कि नहीं यार ये नहीं, ये गाना करेंगे जो अभी आ रहा है लव एंड लाइफ। तब जाके चेंज हुआ। और उससे पहले 2 मंथ पहले हम उसी गाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो हमने शूट ही नहीं करा। कमाल है भाई, जो किया है बहुत अच्छा किया। पर यही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो गो विद द फ्लो चीज़ है ना, जो आपको एक टाइम पे आपको चीज़ हिट कर गई कि ये चीज़ आपको मज़ा दे रही है ना, आपको एनर्जी दे रही है या आपको अच्छा फील करा रही है कि ये चीज़, उस चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। उस थॉट को मैं मेरे लिए बहुत थॉट करता हूँ कि हाँ कि ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, शायद मैंने नहीं सोची, कहीं से है ना इजाद कर दी गई टाइप ऑफ चीज़ है ना। तो वो चीज़ मुझे हर चीज़ में, हर किसी चीज़ में, तो वो मुझे चीज़ बहुत सपोर्ट करता है। और ऑलवेज मैंने ऐसा ही करा है, तो ऑलवेज उस चीज़ ने मुझे निराश कभी नहीं करा, सपोर्ट ही करी है। हमेशा जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ है ना। ये 100% आगे भी होने वाला है, बिकॉज शिद्दत से लगे रहते हो, मेहनत करते हो, और वही गोइंग विद द फ्लो। आई थिंक दैट वर्क्स फॉर यू। और फैन फॉलोइंग तो इतनी तगड़ी है ही आपकी। मुझे बोलो, यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि इंटरनेट सेंसेशन के रूप में भी आपको देखा जाता है और एक सीरियस सिंगर के रूप में भी। आप समझो दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे लोग कहते हैं हाँ यार आया, इसका एक वीडियो आया, हमने देखा, एंजॉय किया, अभी हो गया। बट यहाँ पे एक सीरियस सिंगर की तरह भी लिया जाता है, उसको कैसे देखते हो? मेरे को खुद को नहीं पता थी ये भी। मैंने चीजें जैसे जैसे मुझे एप्रिशिएशन या सब कुछ ये सब नाम मिलता गया, मैंने उस चीज को लेने लग गया। मैं आप समझे ना, तुक्का नहीं है, नहीं तुक्का नहीं, ये लंबी इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी है। सो मैंने ना इस चीज को मैं कैसे करता हूँ रिवील के मैं, हाँ जब 2019 का चढ़ने वाला था ना, वो न्यू ईयर था, मैंने ना शो के बाद एक स्टोरी डाली कि तब पराडा गाना हिट हुआ था, मेरा पहला गाना है ना। मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि गाइस थैंक यू सो मच, के मुझे लगता नहीं मैं इससे जितनी तब मैं 19-20 साल का था, कि मुझे लगता नहीं कि आपने इतना बड़ा इतना रिस्पॉन्स दिया इस गाने को, मुझे लगता नहीं कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा गाना कर पाऊंगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड उसने मुझे मैसेज करा कि ये तू डिसाइड नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है ओके, मैंने एज ए रिस्पेक्ट मैं कहा ओके है ना ठीक है। मैं उस चीज़ से तभी मूव ऑन हो गया, मैं करता गया। तो वो मैंने स्टोरी डाल दी। उसके बाद आया गाना लहंगा। वो गाना पहले वो तब प्राडा 500 मिलियन था, मुझे लगा 500 मिलियन बहुत बड़े नंबर है मेरे लिए है ना। चलो तुक्का, एक बार तुक्का लग गया, अब नहीं, समझ रहे हो। वो मैंने उसके चक्कर में स्टोरी डाल दी और लहंगा आया। लहंगा 500 गया, 1 बिलियन गया, 1.5 बिलियन गया, नाउ इज़ 1.7 और समथिंग है ना। वो चीज़ जब मेरे साथ हुई, मैंने कहा सच में यार मैं डिसाइड कर ही नहीं सकता ये है ना, मुझे सिर्फ काम करना है। और ये दोनों गाने मैंने रिएक्ट कर दिए थे, पराडा और लहंगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, हाँ सच में मैंने कहा मैं नहीं गाने करूँगा, मुझे लगता है कि ये मैं किसी फीमेल सिंगर से करवाऊँगा। एग्जैक्टली मैंने दे दिए थे ऐसे गाने, पराडा दे दिया था, लहंगा भी स्टिल कन्फ्यूज था कि दूँ या ना दूँ। पर हाँ मेरी पहली बात ही घर पहुँच के यही थी, वो गाने मैंने रिएक्ट कर दिए, पर वो ही मेरे सबसे बड़े गाने हैं जो है ना। तो सारे गाने मेरे लिए बड़े हैं, पर एज एन वर्क है ना क्या किसने ज़्यादा काम करा, तो वो चीज़ मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता, इसलिए फिर मैं कुछ प्लान ही नहीं करता। राइट, मैं छोड़ दो। काम की बात करते हैं जो अभी सब लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ पे लव एंड लाइज की आपने बात बोली, सत्य घटना पे आधारित नहीं है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं। लहंगा हो, पराडा हो, ऑफकोर्स यू नो महिलाएँ इन्वॉल्व होती हैं। सो यहाँ कौन महिला इन्वॉल्व है, कहाँ से इतना इंस्पिरेशन आ रहा है? ये लहंगा गाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा है कि जो हमारी बात हुई थी, मैंने एक और इंटरव्यू में बताया था कि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि मुझे कोई ड्रेस ले दे ऐसे है ना, कोई ड्रेस, शादी आ रही है कोई ड्रेस ले दे। उसने बात पहले ना 5-7 मिनट बात ऐसी हो रही लेकिन सूट ले दे ऐसे ही चलती रही बात है ना। मैं कहा ठीक है, मैं कहा कोई महंगी जी चीज़ मांगा ना मैं तो, कि हुण तां मैं काम भी करन लग पिया ना, तो कुछ चज दी चीज़ मंग ला मैं तो है ना। कहती फिर लहंगा ले दे, जिन्ना महंगा लेके देना इदा दी। उन्हें लहंगा महंगा, उन्हें ऐसे नहीं लहंगा महंगा कट्ठा नहीं कहा, वो एज एन आर्टिस्ट मेरे दिमाग में फिट हो गई लहंगा महंगा है ना चीज़। तो वो चीज़ बस तब बाकी जितने भी गाने हैं, बाकी कभी नहीं यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत मेरा दिल टूटा हुआ मैंने गाना लिख दिया, ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ब्रो। हमेशा ना एज एन ऐसे आर्ट ही काम करा है कि अभी स्टूडियो मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता कि मैं पहाड़ों में चला गया पीसफुल, जब मैं नहीं लिख सकता ब्रो, बहुत बोरिंग हो जाता है, मेरे थॉट ही नहीं निकलते आगे से। एग्जैक्टली होता है नहीं, बस स्टूडियो में बैठे हैं आप बीट लगाओ तब लीक होगा। उसके अलावा कभी मैंने कभी अपने नोट्स में से चलते फिरते कोई थॉट नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा। दिमाग मेरा उस चल ही नहीं रहा होता उस साइड, मैं और ही जगह खोया रहता हूँ। Yeah, तो तभी स्टूडियो में ही वो गाने लिखा। टॉक टू अस अबाउट द म्यूजिक वीडियो, बिकॉज वो बड़ा कमाल लग रहा है। गाड़ी पे बैठे हो आप और वो चलती जा रही है और एक वो फ्लो और वो पूरा माहौल। I loved it. Yeah, that's nice. Thank you. Yeah, talk to us about that. जैसे पहले मैं ना शूट मैंने जो जितनी भी वीडियो शूट करी है तो वो कहीं ना कहीं चलो ठीक है वो एज भी थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस एज में कर भी नहीं सकता था ना। तो जैसे जैसे अब मैच्योरिटी जब बड़े हो जा रहे हैं ना तो वो लुक्स भी चेंज हो जा रही है चीज़ें सारी। तो मैंने साल एक तो थोड़ी बहुत फिजिक पे वर्क करा के थोड़ा सा ना और शार्प होकर मैं वीडियो में आऊँ। वो थोड़ा पहले चॉकलेट बॉय टाइप एक वो चीज़ थी, चलो वो एज के हिसाब से थी। अभी मैं थोड़ा लेवल चेंज, मैं बहुत बिलीव करता हूँ लुक्स चेंज करने के। एज एन आर्टिस्ट आपके ना कितने ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए कि एंड तक जब आप हो जाओ एज्ड, आपके पास एक आपका कैटलॉग हो कि आप कितने कितने रोल्स में आए हुए अपनी पूरी लाइफ में, सॉर्टेड है यार, है ना। तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि मैं लुक्स में आई थिंक मैं और इस साल के एंड में तक यहाँ तक बाल रख लूँगा। अगर मुझे बीड़ रखनी पे मैं वो भी रख लूँगा, कटवा दूंगा, मेरा कोई वो फंडा नहीं है। मुझे बस एक 8% करनी है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ इस करेक्टर को, अगर मैं कोई गाना लिख रहा हूँ इस करेक्टर को मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ। मुझे वो चीज़ रिकॉर्ड करके बस दिखानी है, जो मैं सोच रहा हूँ वो लोगों को दिखानी है। बाकी सब अलग है कि वो क्या सोचेंगे या ऐसे। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर भी वो वहीं पड़ी रहेगी, अच्छी लगी तो फिर भी वो वहीं पर रहेगी। तो वहीं YouTube पे बस उसका कमेंट सेक्शन या तो कम हो जाएगा, नहीं लगी तो जहाँ तो वो मिलियंस में चला जाएगा। क्या बात है यार। हाँ। आपके दोस्त वगैरह आते हैं राय लेने के लिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो जस को फोन करते हैं? वो इतना समझदार नहीं समझते। क्या बात कर रहे हो। हाँ, क्या बात कर रहे हो। सच्ची वो ऐसे नहीं इतना समझदार समझते, बट वो मेरे एज एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट वो करते हैं कि यू जो हमारे शुरू से प्लान्स थे ना कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो चीज़ें एक्चुअली में सारी की सारी हुई हैं। तो मुझे ये पूछते हैं कि कैसे हुआ, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं कहा ऐसा कोई जादू या फार्मूला नहीं है। पर मैं कहा ब्रो मैं बहुत सीरियस था इस चीज़ को लेके, म्यूज़िक को लेके। बहुत जब भी उनको मैं गाता भी उनको लगता था यार ठीक है गाता है ओके ओके ओके। मैं उनको बताता भी था मैं सिंगर बनना है। वो छोड़ देते थे कभी कभी बात ना, पर आज उनको बताता है मैं कहा ब्रो मैं तब बहुत सीरियस था, मैं आप मुझे शायद तब लाइट ले रहे थे, मैं बहुत सीरियस था इसलिए तो ये सब हो रहा है। तो ऐसे बता दो मैं, हाँ कहीं ना कहीं हेल्प मैं उनको कहता हूँ कि कहीं यहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ आपकी लाइफ में। उल्टी सीधी सलाहें भी लेते हैं पर उनको रोक देता हूँ, मैं कहा मुझे हक है तुम को रोकने का, राइट। तो बट बहुत स्मार्ट है सारे, क्योंकि मैं भी उसी एरिया से हूँ, है ना। मैंने देखा है कि हमारा वो है चीज़। मुझे बोलो कि शूटिंग कितने दिन में करी इस गाने की, कैसे क्या रहा? ये गाने की शूटिंग हुई है तीन दिन लगे इस गाने को। हाँ। बट कंटिन्यूसली 3 दिन ही हुए, एक दिन ब्रेक, एक दिन ब्रेक, एक दिन ऐसे। राइट। मुझे बोलो लाइज की बात करते हैं। हाँ। इंडस्ट्री में यू नो जहाँ से जैसे आप आए हो वो बड़ी हम्बल बिगिनिंग से लेके अब जब सुपरस्टार, इस बीच लाइज का कितना सामना करना पड़ा? लाइज ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऑनेस्टली कि मेरे साथ ही ऐसा होगा। ये सब वो चीज़ें ना आपको ट्रेन, मैं कहूँगा कि वो मुझे ट्रेन कर रही हैं चीज़ें, समझ रहे हो, कि आगे और जाने के लिए मैं बस ट्रेन हो रहा हूँ। मैं ऐसे ले रहा हूँ उस चीज़ों को। किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, मुझे पता था, मैं कहा ये होना था, मुझे अब डिसीजन लेना है कि अब करना क्या है। नहीं बट कभी तो शुरुआत में व्हेन यू गॉट दैट ब्लो, अच्छा आप किसी एक स्पेसिफिक झूठ की बात कर रहे हो कि कभी वो ब्लो लगा होगा ना, बिकॉज अब आप मंच गए हो या शायद आपकी समझदारी है जो इतने साल में यू सेइंग दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वो बस हथियार डाल देते हैं आपका वो। मेरा सबसे पहला गाना था यू टर्न, सो मेरा उसमें मेरा शूट हो गया, उसमें मैं आया ही नहीं, एंड में 3-4 सेकंड में आया। ऑनेस्टली मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ा था, मुझे फर्क आज भी नहीं पड़ रहा। बाद में ये आपने पूछी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो वो एक झूठ था। हाँ फर्क एज इन थोड़ा सा इतना फर्क पड़ा कि मेरा गाना है, पहली वीडियो शूट हो रही है, तो मैं दिख कम रहा हूँ, मुझे देख तो लूँ कि मैं सिंक करता लग कैसा रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, कि मैं कैसा लगता हूँ स्क्रीन पे, कभी देखा ही नहीं खुद को। तो वो मुझे चीज़ लगी कि चल ठीक है नहीं डालना, मुझे वो क्लिप ही दिखा दो कि मैं कैसे मैं खुद से अलग से अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ है ना। पहली बात है, बहुत पहली बात है ना। तो तब था, उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर कर लिया कि मुझे जो चाहता हूँ ना मैं बोल देता हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं बोल देता हूँ बाद में हर्ट होने के बजाय। और एक चीज़ जो मैंने सोनू निगम सर को बोली थी कुछ दिन पहले कि उनके संग लगता है ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट, उनके हर कॉमेंट पे रहता है ऑटो ट्यून का जिक्र। आपके साथ भी होता है कि यार ये रियल में कितना अच्छा गाता है, वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ दो, टेक्नोलॉजी का कोई सहारा नहीं। ये वही बचपन से जो वो खतरनाक रियाज है या वो प्रैक्टिस है मजाक मस्ती में भी। मैंने ऑनेस्टली कभी ऐसे रियाज करा नहीं, मुझे पता, बट वो बहुत जरूरी है। मैं अभी थोड़ा उसके लिए सीरियस हो रहा हूँ। मुझे शौक ही बहुत था। मैंने शौक के चक्कर में ही इतना गाया है ना, उठते बैठते खूह पे जाते काम करते सारा कुछ बहुत जगह मैंने गाया है। राइट, वो ही मेरा रियाज था। राइट है ना, ऐसे पर्सनली बैठ के सुबह उठ के ऐसे वो मेरे से हुआ नहीं। उस चीज़ के लिए मैं बड़ा लेजी हूँ, पर मैं वो चीज़ बना रहा हूँ। पर आई रिमेंबर कि मैंने हर जगह, जब नहीं था पता कि ये ऐसा कुछ करना है, बहुत गाया है। ये गाने का ना अंदर से बहुत वो है, एनर्जी, जैसे एनर्जी निकालनी है, वो चीज़ बहुत भरी हुई है। राइट अभी भी फिल्मों में भी, यू नो, फिल्मों में भी वो एनर्जी निकल रही है। गाने हिंदी फिल्म में भी आ गए। तो उस समय कैसा लगता है, लाइक प्लेबैक सिंगिंग और हिंदी फिल्में या पैन इंडियन फिल्म्स, अभी जिस चीज़ का माहौल चल रहा है उसके ऊपर क्या कहना है? प्लेबैक सिंगिंग, एज एन प्लेबैक सिंगिंग में सोच, कभी कोई मेरे से बहुत अच्छा गाना बनता है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि सम टाइम मैं कोई ऐसे थॉट्स भी लिखता हूँ कि जिन पे मुझे लगता है कि मैं इस पे वीडियो में नहीं रहना चाहता, पर ये चीज़ है जो ये चीज़ किसी और एक्टर पे वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से फरमाई जा सकती है ना, देखा। तो ऐसे मैं बनाता हूँ गाने काफ़ी, तो वो आगे हम प्लान भी करेंगे, आएंगे भी वो गाने। पर ऐसा नहीं कि जैसे पहले बॉलीवुड में गाने, जहाँ एज एन बॉलीवुड म्यूजिक, उस चीज़ को भी चेंज करेंगे कि पंजाबी लैंग्वेज में एज एन बॉलीवुड में हम कैसे चाहते हैं। राइट पंजाबी हिंदी तो इट्स देयर, यू नो, ऐसे नहीं कब से पंजाबी गाने, तो वो दिल मे भी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ है ना, वो शायद जब वो आएंगी चीज़ शायद आपको तब समझ आए कि मैं कैसा चाहता हूँ। बट बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, पर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे गाने ऐसे होने चाहिए। राइट बॉलीवुड में अगर आए तो। राइट अगर किसी आर्टिस्ट से अपनी जर्नी, ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, किसी एक आर्टिस्ट से, इंडियन आर्टिस्ट से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, अपनी जर्नी उसके साथ देखते हो आप, इफ यू वर टू कंपेयर, तो किसके जैसी लग रही है कि यार ये दिस इज गोइंग द सेम डायरेक्शन, कुछ ऐसा? मैंने ऐसा ये सोचा भी नहीं कभी, ऐसे नहीं लगता। मैं सच में बहुत, मैं खुद पे ही ज़्यादा रखता हूँ फोकस। मैं खुद की कमियों को बहुत ज़्यादा वो लेता हूँ, सीरियसली लेता हूँ। मैं खुद में ही बहुत खोया रहता हूँ ब्रो। अभी तो चल हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बाद मैं सारा दिन मेरा स्टूडियो में जाता है। अगर मुझे ब्रेक भी लेनी है तो स्टूडियो के अंदर ही लेनी है। ओके है ना, मुझे वो ही रहना। मैं सोचता नहीं ये सब। आई नो आपके क्वेश्चन का आंसर कम है, पर मैं ऐसी चीजें कम ही सोचता हूँ। नहीं, सही बिल्कुल सही जवाब है ये। क्वेश्चन का तो कोई सिर पैर नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब है। मुझे बोलो, अभी आजकल फीडबैक जो है ना वो फट करके मिलता है, फिर चाहे ऑडियंसेस से हो या इंडस्ट्री इनसाइडर्स से हो। कोई डीएम्स पे जो कभी कुछ ऐसा पॉपअप किया और लगाओ कि यार ये कहाँ से आ गया, इसने कॉम्प्लीमेंट दिया है? पर ये चीज़ है ना, चाहे कितने बड़े होके बोले चाहे छोटे होके बोले, पर मेरे लिए चीज़ है ना, बहुत मेरे लिए को लगता है कि यार सीरियसली तू, मतलब तेरे लिए ब्रो है ना, असी तो उत्थे मैं अपने आप बैकवर्ड में जिथे मैं पहला सगा, मैं उस चीज़ को बहुत क्लीयरली अज मैनूं रिमेंबर है। सो गल तो होने कि पहला सानू गुच्ची सारा कुछ पता होंदा सी, पेंट पता होंदा सी, पर कभी स्टोर स्टार नहीं सानू पता है किदा है जब प्राइज़ की है ना। तो मैं अपने बर्थडे ते एक गुच्ची की टी शर्ट है ना, ये 3 साल पुरानी गल है ना, गुच्ची की टी शर्ट पा के फोटो पाई, तो उत्थे जो ओरिजिनल गुच्ची अकाउंट आ उन्हें उत्थे कमेंट किया मेरी फोटो थले। मैं कहा अच्छा, फिर मैं उदों सोचा, मैं कहा ठीक है ब्रो, तू इस काबिल भी हो गया है कि तू मतलब अपने आप होर सीरीयस लैन लग पा ना। मैंने वो चीज़ वधिया लगती, क्योंकि मैं फैशन च बहुत इन्वॉल्व हाँ। मैं अपने आप में लैके मैं बहुत कुछ करना है ना, मैं बहुत कुछ करना फैशन, मैं इदा करना। जो मेन लैजेंड्स है फैशन दे, ये गुच्ची उच्ची लोई है ना सब, वो अगर आपको आप फील करके देखो कि वो कमेंट कर रहे हैं एज एन आपने सोचा भी नहीं है वो चीज़ें कभी, तो वो चीज़ें बहुत भर देती हैं अंदर से। राइट तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे एक मस्ती राउंड है, कुछ एक सवाल है, क्विकली जवाब देना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? एक बात जो खास जस के गानों में और बाकियों में नहीं है, यू हैव टू बी लाइक एज ऑनेस्ट एज यू कैन। जैसे एज आर्टिस्ट ना, आर्टिस्ट अगर बहुत खुला हुआ है ना तो वो बहुत बड़ी चीज़ क्रिएट कर सकता है। समझ रहे हो? मुझे लगता है कि आने वाले गानों में मुझे वो चीज़ फील होगी। मैंने जो हिट्स गए उसके अलावा जो मैंने गाने करे बाद में, अभी जो मैंने लास्ट गाने करे हुए हैं उसमें मैं फ्री नहीं हूँ अपने गानों में। जो अभी आएंगे उसमें मैं बहुत फ्री हूँ। वो चीज़ फील होगी। शायद बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे फील करते होंगे, कुछ डिसीजन कोई उनका और लेता होगा या ऐसे ना कोई लेते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा मैटर डिसीजन करता है आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट ही है जिसकी चीज़ आगे जाएगी। ऑनेस्टली कंपनीज, बाकी सारी टीम ज़रूरी है, पर मुझे लगता है आर्टिस्ट का डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। राइट है ना, आप उसकी सुनो, आप उसको चेंज करके बेटर कर सकते हो उसके डिसीजन को, बट इग्नोर नहीं कर सकते उसको। और ऑब्वियसली उसको ये नहीं, उसका काम उसको नहीं सिखा सकते, व्हाट यू सेइंग, क्योंकि वो शुरू से सोच रहा है उस बारे में, right. शुरू से आपका तो ऐसे हो गया ना, आपके पैसे आ गए, अभी नवीन आपने सोचा कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाता हूं, right. म्यूजिक प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा क्योंकि पैसे आ गए, हाँ. पर आपको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है तो आप आर्टिस्ट को नहीं सिखा सकते एक काम जो आप स्टार बनने के बाद जस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड यू मिस डूइंग दैट। और मैं सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास मैं टाइम निकाल लेता हूँ उस चीज के लिए, मैं पता ना तड़पाता नहीं, मैं एज यू सेड ऑफ कोर्स तड़पाते नहीं, you just go for it। बस अभी टाइम थोड़ा कम होता है किसी के पास, जब भी फैमिली के पास जाना है, मिलना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा के रहता है कि ज़्यादा रह के वो थोड़ा रह जाता है। फेमस होने का एक फ़ायदा कि मैं सब जगह ट्रैवल कर सकता हूँ, सब जगह जाना है। अभी तो मैं बहुत इस साल में काफ़ी प्लान करा है कि यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। राइट, यू थिंक ये जो अपनी हैंडसमता है, ये जो स्टाइल है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्लस वन है आपके गाने के साथ? ऑनेस्टली यस, यस, मैं इस चीज़ को ग्रेटफुलनेस मानता हूँ कि अगर आप लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं गाने में तो ऊपर से आप दिख भी रहे हो अच्छे, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है, आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, राइट, क्योंकि ये सब कुछ दिखावा है। आपको अच्छे लगना है तो लोग आपको थोड़ा सा है ना और अच्छे तरीके से आपको देखेंगे, आपको आप सुन भी सकते हो। वीडियो आप पे व्यूज़ क्यों ज़्यादा आएंगे कि आप अगर वीडियोस में थोड़े सुंदर लग रहे हो, ये मैटर करती हैं चीज़ें। कमेंट्स पढ़ने जाते हो? कमेंट्स पढ़ने जाते हो? सबसे ज़्यादा क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? अभी तक लेटेस्ट तो यही मिला है कि प्लीज़ गाने करो, गाने करो। मैंने एक साल से यही देखा है, यही देखा है। जैसे जब ना प्राडा और लहंगा गाना आया था तब ना लोग कहते थे कि मैं इस स्टाइल के गाने करूँगा, उसके बाद जब मैंने नो कॉम्पिटिशन गाना करा तो वो टोटली एक डिफरेंट बीट थी, जिसके जैसा मैंने म्यूज़िक करा ही नहीं था। पर लोगों को, उन्होंने मुझे तब कहा कि लाइक तू इस चीज़ में भी कर सकता है, लाइक ये भी तेरा एक है ना जॉनर है। तो मैं तब मुझे उस चीज़ के लिए, जब मेरे ना काम के लिए जो मैं चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा नोट होती है और मुझे अच्छी लगती है, right. कि ये चीज़ मेरे दिमाग में ये चीज़ इसने भी नोट कर ली, मेरे किसी फैंस ने भी वो चीज़ नोट कर ली, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। एक चीज़ जो जस मानक द सुपरस्टार बनने से पहले 2017 से पहले थी और हमेशा रहेगी आप में? मैं खुद ही चेंज होऊंगा, मुझे कोई और नहीं चेंज कर सकता, राइट, बस मैं शुरू से ऐसा हूँ कि अगर अब मुझे चेंज करवाना है ना किसी चीज़ से तो मैं नहीं हो सकता ब्रो। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे को बहुत गंदी आदत है तो मैं नहीं चेंज हो सकता, मैं खुद ही हूँगा जब चेंज होना किसी चीज़ में। शुरू से ऐसा, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत चीज़ों से चेंज करने की ट्राई करी, मैं नहीं हो पाया। मैंने उनको से रीज़न, मेरे पास रीजंस बहुत होते हैं कि मैं मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ जहाँ मैं जो हूँ, तो उस चीज़ से हटाने के लिए मैं शुरू से नहीं हटा सकता अपने आप को, आज भी नहीं हटा सकता। मेरे दिमाग में ये सब मेरा बहुत, जब मैंने लास्ट 1.5 ईयर पहले मैंने शोज़ छोड़े या सारा काम करा ना, तब काफ़ी शोज़ मेरे लाइनअप थे, बहुत चीज़ें थी तब मेरे पास करने के लिए, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा था, लाइक मैं एज एन आर्टिस्ट फील नहीं कर रहा था। तो वो मैंने एक दिन में डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं करूँगा, तो उसके बाद मैं गाने भी नहीं करे। मतलब वो मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे प्रेजेंट क्या करना है, राइट, कुछ भी नहीं करनी। तो गाने तो यार सबका काम है, गाना, आर्टिस्ट, म्यूजिक बनाना, गाने तो सबके पास पड़े होते हैं, सबके पास। आई नो 50-60 गाने पड़े होंगे सब आर्टिस्ट के पास, गाने को निकाल दे, मेरे पास भी पड़े थे। पर नहीं, मैं कहा एक जो शुरू से सोचा है जिस रास्ते पे जाने के, उसी के लिए थोड़ी वेट करते हैं। एब्सोल्युटली, और हम वेट करते रहेंगे, करते आए हैं इनके गानों का। और ये तो यार ऑफ कोर्स एक के बाद एक हिट देते जाएंगे। चेंज ना होने की बात की, मत चेंज होना भाई, जैसे हो, सुपरस्टार हो, रॉकस्टार हो। जस मानक ऑन सितारे मस्ती में, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। जाते जाते इट्स टाइम फॉर मस्ती सेल्फी। यो